आज बहुत सारा काम करना है और ये जितने भी सूखे पत्ते हैं अभी तक मैंने काटे नहीं थे, क्योंकि गर्मियों में ये सूखे पत्ते भी कुछ शेड दे रहे थे। तो इनको देखिए कितने सूख गए, पहली बार है जो इतने पौधे खराब हुए। तो इनको सबको क्लीन करना है। ये शेफलेरा था और यहाँ पर देखिए सारा सूख गया है। इसकी टहनी जहाँ तक ग्रीन दिखेगी, थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं इसको, ये देखिए ये यहाँ सूखा हुआ है। इसके नीचे तक जाऊंगी, जब ग्रीन दिखेगा वहां तक इसको काट देंगे। और नीचे देखिए कितने पत्ते हैं, ये मैंने इसलिए मल्च के लिए इनको हटाया नहीं था। अब इनको हटा के देखते हैं, क्योंकि बारिश में स्लग्स हो जाएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा। अलग अलग मौसम की अलग अलग प्रॉब्लम्स, गार्डनिंग में सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और खाली अगर आप खाली गार्डन में ऐसे ही घूमें तो आपको बहुत सारा काम दिख जाएगा। और वैसे अगर फोटो में देखें कोई काम नज़र नहीं आएगा। तो ये एक और शेफलेरा का पेड़ है, देखिए कितना सूख गया है। इनको सबको भी प्रून करके देखिए, कुछ टहनियाँ नीचे ग्रीन है, ये देखिए इनको यहाँ तक काटेंगे एकदम, और यहीं से वो रेनी सीजन में बुशी होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मनी प्लांट है, बिग लीफ मनी प्लांट, इसकी भी लीफ सारी रिमूव करेंगे। बहुत सरप्राइजिंग था कि ये सिल्वर डस्ट का प्लांट बच गया है। अब ये एक फिलोडेंड्रोन की वैरायटी है, इसमें नई लीफ आ रही है। पुरानी सारी टहनियाँ खराब हो गई थी, हाइड्रेंजिया खराब हो गया है, कुछ फूल हाइड्रेंजिया के भी आपको दिखेंगे पिंक कलर के, मगर वैसे पेड़ काफी नाजुक कंडीशन में है। सफाई करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, ये मैं आफ्टर इफेक्ट दिखा रही हूँ। जो प्लांट्स को मैंने क्लीन किया है और गार्डन को कुछ थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, अरेंज करने की कोशिश की है, क्लीन करने की कोशिश की है, उसका रिजल्ट है ये। अभी भी बहुत रिक्वायर कर रहा है मेहनत। यहाँ पर देखिए शेफलेरा की पूरी कटिंग कर दी है, बहुत खूबसूरत हुआ करता था, मगर अभी फिर खूबसूरत हो जाएगा आई एम श्योर। ये देखिए नए फुटाव आ रहे हैं, ये भी वेरिएटेड वाला बहुत खूबसूरत होता था। चलिए कोई नहीं, मौसम की मार, हमने इससे बहुत कुछ सीखा भी है कि पानी वेस्ट नहीं करना है, पौधे लगाने हैं, इनफैक्ट बड़े बड़े पेड़ उनका प्लांटेशन करना है, बड़े पेड़ों को काटना नहीं है। मौसम तभी ठीक रहेगा, जब तक हम मौसम की चिंता नहीं करेंगे मौसम हमारी चिंता नहीं करेगा। ये भी कुछ क्लीन किए थे हैंगिंग बास्केट, यहाँ पर भी कुछ क्लीनिंग की है। और यहाँ पर देखिए ये तो काफ़ी ग्रीन पहले भी था और अभी भी काफ़ी ग्रीन है, मगर इनको भी बाहर निकाल के थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है। ये पेड़ अच्छा हो गया है, इनफैक्ट इसको भी थोड़ा प्रून करके छोटा ही करना पड़ेगा। ये देखिए तुलसी का पेड़ है, बड़ा अच्छा बुशी हो रहा है। ये हाइड्रेंजिया का पेड़ है और इनमें भी देखिए बहुत फुटाव आ रहे हैं, और ये बहुत जल्दी आई एम श्योर हेल्दी हो जाएगा। आई होप ये मेहनत आप कुछ अप्रिशिएट करेंगे ज़रूर। काफ़ी मेहनत लगी है गर्मी में, मगर पौधों के साथ रह के कभी गर्मी फील या महसूस होती भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।